बीते 31 दिनों से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं, जबकि यूरोप और अमेरिका में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी से कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने लगी है। कुछ देशों में कोरोना की दूसरी लहर के आने से लॉकडाउन लगाना पड़ा है, जिसने भी क्रूड ऑयल के आउटलुक को कमजोर किया है। रूस और अमेरिका में कोविड-19 के मामले बढ़ने से तेल की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट आई है। इससे कच्चे तेल के भाव 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं। WTI क्रूड का दाम $1.63 कम होकर $34.16 प्रति बैरल पर आ गया है। बेंच क्रूड के दाम भी $1.58 प्रति बैरल घटकर $36.36 प्रति बैरल पर आ गए हैं। इसके बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम में फिलहाल कोई कमी नहीं हुई है। उल्टा बीते दिनों खबर आई थी कि कोरोना काल में हुए घाटे की भरपाई के लिए सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 6 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा सकती है। हालांकि अब जानकारों का मानना है कि अगर अभी किसी भी तरह की बढ़ोतरी होती है तो मुमकिन है कि इसका असर पेट्रोल डीजल के रिटेल दाम पर नहीं पड़ेगा, यानी ग्राहकों पर इस बढ़ोतरी से जो बोझ फेस्टिव सीजन में पड़ता है अब उसकी आशंका कम है। दाम बढ़ने से न केवल फेस्टिव सीजन में ग्राहकों का मूड बिगड़ सकता है बल्कि महंगाई भी छलांग लगा सकती है। इससे RBI के लिए भी ब्याज दरों को कम रखना मुश्किल चुनौती साबित हो सकता है। इसके पहले का ट्रेंड देखें तो 15 अगस्त के बाद से 10 सितंबर तक 13 किश्तों में पेट्रोल 1.65 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ था। 10 सितंबर के बाद से इसमें कमी आनी शुरू हुई और ये 1.19 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। वहीं डीजल उसी दौरान महीने भर में 3.10 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अब कच्चे तेल की कीमतों में हो रही कमी के बावजूद तेल कंपनियां ग्राहकों को फायदा क्यों नहीं पहुंचा रही हैं? जाहिर है कि सरकार जिस तरह से लोगों को खर्च बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाकर भी लोगों का उत्साह बढ़ाया जा सकता है। इससे लोगों को घूमने जाने का हौसला मिलेगा और महंगाई घटने से RBI के पास भी ब्याज दरें घटाने का मौका मिलेगा। इससे भी लोग सस्ते कर्ज की वजह से खरीदारी को बढ़ा सकते हैं। फिर वाकई में मंदी केवल फेस्टिव सीजन के बहाने नहीं बल्कि पूरी तरह से गायब हो सकती है।